हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और फ्रेंड्स इसके अंदर आप एंड और को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये आपकी इक्वेशन लग जाएंगी यहाँ पे। तो इसको मैं यूज़ करने का तरीका बताऊँगा एंड और को। तो ये आपको यूज़ होगा फ्रेंड्स जब आप अपने पास डबल इक्वेशन लगाएंगे, और इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर कि जैसे कोई वैल्यू, अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू ये है और बजट रेवेन्यू ये है, तो इसके अंदर से आप 10% माइनस करेंगे और 1% जो आप प्लस करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू इधर आनी चाहिए। और फ्रेंड्स इस सूरत में अगर यहाँ पर आप लगाएंगे तो क्या सिम्बल आनी चाहिए यहाँ पर, यानी कि मैं इसके अंदर डालूंगा डायरेक्ट वैल्यू और इसके अंदर डालूंगा सिम्बल। तो सिंबल मैं अपने पास डालूंगा ये वाले। तो सिंबल किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, तो फ्रेंड्स ये बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक वक्त पर पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं कि आप किस तरह से इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं एंड एंड और के साथ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखेंगे इधर कि हमारी रेवेन्यू अगर बढ़ रही है किससे, 15,000 से, तो मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास आ जाएगा इधर गुड, वरना सिफर या फिर ब्रैकेट बिल्कुल खाली। आपका सेल जो है बिल्कुल या तो खाली आ जाएगा या फिर अगर वैल्यू आपकी बड़ी होगी 15,000 से तो आपके पास इधर लिखा हुआ जाएगा गुड। तो मैं करूँगा इधर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और फिर आप सिलेक्ट करेंगे अपनी रेवेन्यू और फिर आप साइन डालेंगे कि बढ़ रही है लेस देन और फिर 15,000। तो मैं इधर करूँगा 15,000 और फ्रेंड्स इसके बाद मैं करूँगा इधर कोमा और फिर डाल दूंगा मैं इधर गुड। तो गुड में डालता हूँ इधर बड़ी कैपिटल लेटर में और फिर कोमा, फिर मैं करूँगा इधर डबल कोट ओपन, फिर स्पेस डबल कोट क्लोज और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा मैं इधर से और फिर करूँगा इधर एंटर। तो फ्रेंड्स इधर ये आपको एक एरर दे रहा है। तो एरर क्यों दे रहा है आपको इसके अंदर मैं देखता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स इधर आप देखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन रेवेन्यू हमारी लेस देन 15,000 ब्रैकेट डाला इधर कोमा। तो फ्रेंड्स कोमा के बाद मुझे इधर करना है डबल कोट ओपन, इस वजह से मुझे इधर ये एरर दे रहा था। तो मैं करूँगा इधर ब्रैकेट को डबल कोट को क्लोज और फिर कोमा फिर डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज, यानी कि इन डबल कोट की क्लास डबल कोट के दरमियान इधर कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो मैं करूँगा इधर एंटर। अब देखिए इधर आपको शो कर रहा है इधर गुड, यानी कि ये वैल्यू आपकी 15,000 से ऊपर है, 15,001 है। तो इसको मैं कर दूंगा नीचे फार्मूले को कॉपी। तो ये देखें आपकी ये वैल्यू, ये वाली, ये 20,000 है, ये 15,000 है, ये 22,000 है। तो जहाँ जहाँ की आपकी वैल्यू 15,000 से ऊपर होगी तो वहाँ आपको गुड शो करेगा। अब मैं इधर करता हूँ 14,001। अब ये देखें यहाँ से गुड गायब हो गया इधर से। और फ्रेंड्स इसके बाद अब मेरा दूसरा ऑप्शन इधर ये है कि अगर हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है 15,000 से और कम हो रही है 20,000 से तो मेरे पास क्या आ जाए गुड। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे पास आ जाए ब्रैकेट, मेरा कॉलम इधर बिल्कुल खाली आ जाएगा। तो मैं करूँगा इधर इक्वल टू। तो फ्रेंड्स इक्वल टू के बाद मैं करूँगा इधर इफ ब्रैकेट ओपन और फिर एंड, एंड को मैं यूज़ करूँगा इधर क्योंकि इधर मुझे डबल लॉजिकल टेस्ट चाहिए। तो लॉजिकल टेस्ट वन में मुझसे पूछ रहा है कि रेवेन्यू अगर हमारी बढ़ रही है यानी कि इंक्रीज हो रही है किससे, 15,000 से, तो मैंने लिख दिया 15,000 और फिर मैं करूँगा इधर कोमा और फिर रेवेन्यू हमारी घट रही है लेस देन 20,000
और फिर मैं करूंगा इधर ब्रैकेट को क्लोज और फिर इधर कोमा, इसके बाद डबल को डबल क्लोट ओपन, इसके बाद मैं करूंगा गुड डबल क्लोट क्लोज और फिर ब्रैकेट को भी क्लोज, तो मैं कर दूंगा इधर एंटर। ये देखिए इधर आपको शो करा है इधर गुड, यानी कि ये वैल्यू आपकी 15,000 से बड़ी है और 20,000 से छोटी है। ठीक है देखें ये आपको शो करा है इधर, जो जो वैल्यू आपकी 15,000 से बड़ी होगी और 20,000 से छोटी होगी वहां पे आपको फेल्स शो कर देगा इधर। फ्रेंड्स इधर 20,000 22,000 को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 19,000। ये देखें मैंने ये 22,000 कर दिया 19,000। तो ये देखें इधर आ गया मेरे पास गुड। अब ये देखें ये वैल्यू मेरी छोटी है 15,000 से, तो इसलिए मेरे पास इधर फेल्स, ये वैल्यू मेरी 20,000 से बड़ी है। तो मैंने इधर अपने पास फार्मूला डाला था कि अगर मेरी वैल्यू 15,000 से छोटी हो और 20,000 से, बल्कि 15,000 से बड़ी हो मेरी वैल्यू और 20,000 से छोटी हो, तो ये देखिए तो 20,000 तक बड़ी है, तो इस वजह से इधर बता रहा है आपको फेल्स। और फिर 20,000 वाली वैल्यू ये भी आ रही है फेल्स, क्योंकि मैंने बिल्कुल बराबर भी नहीं लिखा था, इस वजह से मेरे पास इधर फेल्स आ रही है। और फिर ये 7716 ये तो 15,000 से बहुत छोटी है, 11506 इधर फेल्स आपको सही दिखा रहा है बिल्कुल। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो ये कि मेरे पास अगर रेवेन्यू 15,000 से बड़ी है और छोटी है 20,000 से, तो मेरे पास आते गुड। इसके बाद लॉजिकल टेस्ट टू में मैं करूँगा इफ और एंड, अगर हमारी रेवेन्यू बड़ी है 15,000 से और छोटी है 20,000 से, तो मेरे पास आ जाए इधर एक्सेप्शनल। तो फ्रेंड्स मैं करूँगा इधर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और फिर एंड फिर से ब्रेक इट ओपन, यानी कि मुझे दो लॉजिकल टेस्ट चाहिए यहाँ पे। तो फिर मैं करूँगा अपनी सेल यानी कि रेवेन्यू, और फिर रेवेन्यू अगर हमारी बढ़ रही है यानी कि इंक्रीज हो रही है 15,000 से, और फिर कोमा, और अगर यही वैल्यू मेरी कम हो रही है यानी कि लेस देन किससे 20,000 से, और फिर ब्रेक इट को क्लोज और फिर कोमा, इसके बाद डबल क्लोज। मैं डालूंगा इधर गुड, यानी कि ये वैल्यू अगर मेरी रेवेन्यू यानी कि बढ़ रही है 15,000 से और कम हो रही है 20,000 से, तो मेरे पास आ जाए इधर गुड। और फ्रेंड इसके बाद दोबारा से मैं फार्मूला ओपन करूंगा अपना, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर मैं करूंगा इधर सेल वन अपना, अगर ये वाली वैल्यू मेरी बढ़ रही है या फिर बराबर है 20,000 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल भी मैं लिखूंगा इधर डबल डबल क्लोज के अंदर, और फिर डबल क्लोज क्लोज, इसके बाद कोमा, इसके बाद मैं दोबारा से अपना सेल से सिलेक्ट करूंगा और फिर ब्रैकेट को अपने पास डबल क्लोज कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने बताया आपको कि अगर मेरी वैल्यू बढ़ रही है यानी कि रेवेन्यू अगर मेरी बढ़ रही है 15,000 से और कम हो रही है 20,000 से, यानी कि बिल्कुल 15,000 के बराबर भी नहीं है और 20,000 के बराबर भी नहीं है, यानी कि 15,000 से बड़ी है और 20,000 से छोटी है, तो मेरे पास इधर आता है गुड। और अगर मेरी रेवेन्यू बढ़ रही है या बराबर है 20,000 से, तो मेरे पास आ जाए इधर एक्सेप्शनल। और फिर मैं करूंगा इधर एंटर, तो मुझे इधर मुझे गुड में बता रहा है, इधर मैंने कोमा ही डाला अपने पास, ये देखिए अब मेरे पास बिल्कुल सही है, यानी कि इक्वल टू अगर मेरी वैल्यू बड़ी है 15,000 से और छोटी है 20,000 से, तो मेरे पास आ जाए गुड, और अगर मेरी वैल्यू बड़ी है या बराबर है 20,000 से, तो मेरे पास आ जाए एक्सेप्शनल। तो मैं करूँगा इधर एंटर, ये देखें मेरी वैल्यू 15,000 से बड़ी है, ये दोनों वैल्यू मेरी ऊपर की तीनों वैल्यू मेरी 15,000 से बड़ी है और 20,000 से छोटी है, इसके बाद ये दोनों वैल्यू तो इसमें आती नहीं है, यानी कि ना 15,000 से बड़ी है और 20,000 छोटी तो है लेकिन 15,000 से बड़ी नहीं, इसे मेरे पास इधर आ गया फेल्स, ये वैल्यू मेरी 15,000 से
छोटी है, तो इधर आ गया फेल्स, और ये वैल्यू मेरी 20,000 के बराबर है, और ये वाली वैल्यू मेरी 20,000 से बड़ी है, तो इधर आ गया मेरे पास एक्सेप्शनल, और ये वाली वैल्यू मेरी 20,000 छोटी है और 15,000 के बराबर है, तो इधर आ गया मेरे पास गुड। तो अगर मैं 7716 इधर आ गया, आ रहा है मेरे पास फेल्स, अगर मैं इसको कर दूँ 20,000 या 20,021, 20,001, तो ये देखिए मेरे पास इधर आ रहा है एक्सेप्शनल, यानी कि 20,000 से बराबर हो या 20,000 से बड़ी हो, तो आ जाएगा आपके पास एक्सेप्शनल। और फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है कि अगर आपकी रेवेन्यू बड़ी है या बराबर है 20,000 से, या फिर छोटी है या बराबर है 15,000 से, तो आ जाएगा आपके पास फ्लेग, वरना ब्रैकेट, वरना कॉलम आपका बिल्कुल खाली। तो मैं करूँगा इधर इक्वल टू, तो इफ करूँगा मैं इधर इफ ब्रैकेट ओपन और डालूंगा मैं यहाँ पे, और फिर ब्रैकेट को दोबारा से मैं करूँगा ओपन। तो इसके अंदर मुझे चाहिए डबल लॉजिकल टेस्ट, यानी कि रेवेन्यू हमारी बड़ी है या बराबर है 20,000 से, और फिर अगर आप और लगाएंगे तो आपके पास एक लॉजिकल टेस्ट और आ जाएगा इक्वल टू, अगर बराबर है या बड़ी छोटी है 15,000 से, तो लॉजिकल टेस्ट आपके ये काम में आता है। तो आप इफ एंड और एंड एंड लगाएंगे, तो मैं इधर यूज कर रहा हूँ अपने पास और, तो मैंने किया इधर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और फिर ब्रैकेट ओपन, और फिर इसके बाद मैं करूँगा अपने पास इधर के रेवेन्यू अगर मेरी बड़ी है या बराबर है 20,000 से, या फिर रेवेन्यू मेरी छोटी है या लेस देन है बराबर है 15,000 से, तो फिर मैं करूंगा इधर ब्रैकेट को क्लोज और फिर कोमा। अब मुझसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू के अंदर मैं डालूंगा डबल डबल क्लोट फ्लेग, फिर डबल क्लोट क्लोज, इसके बाद यानी कि अगर मेरी वैल्यूज करेक्ट है तो मेरे पास आ जाएगा इधर फ्रेश फ्लेग, फिर मैं करूंगा इधर कोमा। फिर अब मुझसे पूछ रहा है कि अगर फार्मूला आपका सही नहीं है तो इधर क्या वैल्यू रखनी चाहिए, मैं करूंगा इधर डबल क्लोट क्लोज ओपन, फिर डबल क्लोट क्लोज, और फिर ब्रैकेट को मैं करूंगा इधर डबल क्लोज, क्योंकि मैंने अपने पास इधर डबल ब्रैकेट ओपन करी है, और फिर एंटर। तो इधर मुझे बता रहा है मैंने, ये देखिए यहाँ पे मैं अपने पास ब्रैकेट क्लोज कर चुका था, यानी कि सिर्फ मुझे एक ही ब्रैकेट क्लोज करनी थी, तो मैं करूंगा इधर एंटर। ये देखें कॉलम आपका बिल्कुल खाली आ रहा है इधर, ये देखें ये वैल्यू आपकी 15,000 से छोटी है, तो इधर आ रहा है आपके पास फ्लेग, ये 20,000 से बड़ी है, तो इधर आ रहा है आपके पास फ्लेग, इधर 20,000 के बराबर है तो आपके पास फ्लेग आ रहा है, 20,000 से बड़ी है तो आपके पास फ्लेग आ रहा है, और 15,000 से छोटी है तो आपके पास इधर फ्लेग आ रहा है, ये 19,000 है, यानी कि 15,000 से बड़ी है और 20,000 से छोटी है, तो यहाँ पे बिल्कुल खाली आ रहा है। तो फ्रेंड्स फार्मूला आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और फिर इसके बाद आप देखेंगे इधर के अगर एक्चुअल रेवेन्यू और बजट रेवेन्यू के अंदर से, पहले मैं करूंगा यहाँ से 10% और 1 रुपया माइनस, तो फिर आपकी जो वैल्यू आएगी वो जाएगी आपकी 10% से मल्टीप्लाई, और फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी इधर आ जाएगी। तो फिर अगर यही वैल्यू मैं इधर लाना चाहूँ और मैं यहाँ पे लगा दूँ सिंबल, तो आप सिंबल भी अपने पास लगा सकते हैं। सबसे पहले आप इधर डालेंगे इक्वल टू नंबर 1, और फिर डिवाइड करेंगे आप इसको नंबर 2 से, फिर माइनस कर देंगे 1, और फिर आप करेंगे इधर एंटर, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है इधर, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और फिर माइनस कर दिया 1 से। पहले आपने एक्चुअल रेवेन्यू को बजट रेवेन्यू से किया है अपने पास डिवाइड, और फिर जो वैल्यू आई वो आपकी डायरेक्ट हो गई माइनस 1 से इधर, तो ये आपकी वैल्यू इधर निकल गई है। लेकिन आपको इधर इफ को यूज करना है, तो आप किस तरह से यूज करेंगे, इधर वैल्यू आपकी यही आ जाएगी, तो मैं करूंगा इधर इक्वल टू, मैं करूंगा इधर इफ ब्रैकेट ओपन और फिर करूंगा ब्रैकेट ओपन, क्योंकि मेरे पास इधर दो लॉजिकल टेस्ट लगेंगे,
इम्पोर्टेंट सबसे पहले मैं करूंगा अगर नंबर वन सेल एक्चुअल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बजट रेवेन्यू और फिर माइनस वन, और फिर फ्रेंड्स ये वैल्यू अगर मेरी बढ़ रही है यानी कि एक्चुअल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बल्कि डिवाइड बाय एक्चुअल रेवेन्यू डिवाइड बाय बजट रेवेन्यू, फिर ये वैल्यू मेरी हो जाएगी माइनस वन से, और फिर जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो हो जाएगी लेस देन 10% से, 10% से माइनस हो जाएगी, और फिर मैं करूँगा इधर कोमा, इसके बाद मैं करूँगा अपना फर्स्ट एक्चुअल रेवेन्यू डिवाइड बाय बजट रेवेन्यू, तो फिर इसको माइनस करूँगा मैं माइनस वन से, और फिर अगर जो वैल्यू आएगी मेरी वो अगर लेस देन है किससे माइनस 10% से, तो फ्रेंड्स मैं करूँगा इधर ब्रैकेट को क्लोज और फिर एंटर, इधर मुझे एरर दे रहा है, फार्मूला पूरा करना है अपना, तो मैं करूँगा इधर कॉमा, इसके बाद अपना फर्स्ट सेल डालूँगा अपने पास इधर एक्चुअल रेवेन्यू, इसके बाद मैं डालूँगा अपने पास इधर डिवाइड बाय बजट रेवेन्यू और फिर माइनस वन, और फिर इसके बाद मैं कोमा डालूंगा, अगर ये वैल्यू मेरी सही होगी तो इधर डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी या फिर मेरे पास आ जाएगा सेल बिल्कुल खाली, तो मैं करूँगा इधर ब्रैकेट को क्लोज, यानी कि मैंने कोमा डाला है डबल क्लोज ओपन डबल क्लोज क्लोज, फिर ब्रैकेट को डबल मैंने किया क्लोज और फिर एंटर, ये देखें ये वैल्यू आपकी वापस वही आ गई, और फिर इसके बाद ये देखें आपकी सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, और इसके बाद सारा मुझे यही यहाँ पे सब कुछ यही डालना है, लेकिन अब इधर आ जाएगा यहाँ पे सिंबल, या तो सिंबल आ जाएगा या फिर फार्मूला आपका डायरेक्ट आ जाएगा इधर, तो फ्रेंड इसके लिए आपको इधर डालना है सिंबल, तो आप सिंबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आपके पास, तो आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे, इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे तो सबसे लास्ट में आप देखेंगे इधर सिंबल का एक ऑप्शन है, तो सिंबल के अंदर आपके पास दो ऑप्शन दिखेंगे इक्वेशन और सिंबल, तो आप सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर से जो आपकी मर्जी हो आप अपने पास इधर सिंबल को क्रिएट कर सकते हैं, मैं करूँगा इधर एक अप एरो इंसर्ट और फिर यहाँ पे मैं करूँगा एक डाउन एरो इंसर्ट, तो फिर इसको करूँगा मैं क्लोज, ये देखें ये हो गया मेरे पास, अब मैं इसको यहाँ से करूँगा इधर अपने पास कॉपी, ये देखें ये हो गया, अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा, ये देखें ये आपके पास इधर सिंबल क्रिएट हो जाएंगे, तो अब मैं करूँगा इधर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और फ्रेंड्स इसके बाद मैं करूँगा इधर एक्चुअल रेवेन्यू, तो सबसे पहले मैं डालूंगा इधर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एक्चुअल रेवेन्यू डिवाइड बाय बजट रेवेन्यू, इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो जाएगी माइनस वन से, और फिर अगर जो वैल्यू आएगी वो मेरी बढ़ रही है 10% से, और फिर मैं डालूंगा इधर कोमा, तो वैल्यू इफ ट्रू मेरे पास क्या चाहिए, मेरे पास आएगी ये वाली वैल्यू, यानी कि मेरे पास ये एक एरो आ जाएगा, या फिर मैं इधर करूंगा इधर कोमा और फिर इफ, इसके बाद मैं करूंगा इधर ब्रैकेट को ओपन, अगर एक्चुअल रेवेन्यू मेरी डिवाइड बाय बजट रेवेन्यू -1% -1, और फिर अगर ये वैल्यू मेरी लेस देन -10% से, तो मैं परसेंटेज का साइन लगाऊंगा, और फिर मेरे पास वैल्यू आ जाए वैल्यू इफ फेल्स वैल्यू इफ ट्रू, मैं करूंगा इधर कोमा, अब मुझसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, तो मैं करूंगा अपने पास ये वाली वैल्यू यानी कि डाउन एरो, इसके बाद मैं करूंगा इधर कोमा, अब मुझसे पूछ रहा है ये वैल्यू इफ फेल्स, तो मैं इधर करूंगा डबल क्लोज ओपन डबल क्लोज क्लोज और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा मैं, यानी कि मेरे पास या तो सेल खाली आ जाए या फिर इन दोनों में से कोई एक एरो आ जाए मेरे पास, तो मैं करूंगा इधर
अब मुझे बता रहे इधर कि मुझे दो ब्रैकेट को क्लोज करना है डबल, तो एंटर। अब देखें ये आपके पास अब एरो दिखा रहा है, ये देखें मैंने आपको बताया था कि फार्मूला अगर मेरा करेक्ट होगा तो मुझे ये सिंबल दिखाएगा, या फिर इधर मुझे दिखा रहा है जीरो, यानी कि वैल्यू बिल्कुल अलग है इससे। ये वैल्यू मेरी बड़ी है तो मुझे दिखा रहा है इधर ब्रैकेट सिंबल डाउन, ये वैल्यू मेरी छोटी है तो मुझे दिखा रहा है इधर सिंबल अप। इसके बाद ये जीरो, यानी कि बिल्कुल बहुत कम वैल्यू है मेरे पास, तो ये दिखा रहा है मुझे। अब मुझे दिखा रहा है इधर ज़्यादा वैल्यू, तो इधर आपको डायरेक्ट फार्मूला दिखा देगा, इधर जीरो है और फिर इधर आपके अप डाउन सिंबल है, और फिर इधर आपको दिखा रहा है इधर जीरो, और फिर इधर आपका आ गया फार्मूला। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर आप किस तरह से एंड एंड और को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से आप सिंबल को क्रिएट कर सकते हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल के बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई बात पूछनी है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट्स में से लाजमी पूछें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो से, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।